रैपिड का मतलब क्या होती है? जब गैस बर्न करती है रैपिडली और हीट प्रोड्यूस और लाइट प्रोड्यूस करती है तो रैपिड कम्बशन होता है। स्पॉन्टेनियस जनरली कहाँ पे होता है? माइनिंग वगैरह में होता है ये, जहाँ पे आग लग जाती है अचानक से, है ना। तो द टाइप ऑफ कम्बशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इन टू फ्लेम। कोई भी एक अंदर का मटेरियल अपने आप से ही कुछ बर्स्ट हो जाता है, उसके कारण फ्लेम निकलती है, ठीक है। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज, मतलब पता नहीं क्यों हो जाता है ऐसा, उसका कोई अभी तक कॉज पता नहीं है, अचानक से हो जाता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब भी वैसे भी होता है अचानक, ठीक है, तो अचानक कम्बशन हो जाना, सुन लिया। और एक होता है रैपिड कम्बशन, तो ये गैस के कारण होता है। एक होता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का क्या काम होता है? हाँ, कि क्रैकर्स क्यों फूटते हैं? कि व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड। जब भी सडन रिएक्शन होती है ना, सडन मतलब अचानक से, एकदम से रिएक्शन होती है। अपन माचिस की तीली लगाते हैं और एकदम से रिएक्शन होती है, तो उस समय हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है और साउंड। हीट निकलती है तो आप देखते हो उसमें से वो गर्म हो जाता है, साउंड निकलता है आपको आवाज़ सुनाई देती है, और लाइट निकलती है तो आपको अच्छा लगता है देखना, ठीक है। तो सबके अलग अलग चीज़ें होती है। वैसे तो क्रैकल्स यूज़ नहीं करना चाहिए। फ्लेम, फ्लेम क्या होता है? अच्छा, कभी आप देखोगे कि केरोसिन लैंप, कैंडल, सबकी फ्लेम की अलग अलग कलर होती है। इसका कलर थोड़ा ब्लू दिखता है, इसका रेड दिखता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, हाँ मतलब सबके अलग अलग कलर होते हैं। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स, फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। चारकोल ऑन दी अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड सो डू नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। जो चीज़ें वेपराइज होती है ना जलने के बाद, वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, और जो चीज़ें वेपोराइज नहीं होगी वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती। वेपराइज का मतलब, हाँ, अगर भाप बनेगी तो वो भाप आग के फॉर्म में दिखेगी, है ना। तो जो केरोसिन ऑयल है वो भाप बन जाता है। मोल्टन वैक्स, ये भी क्या होता है? वेपर प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए तो इनकी फ्लेम दिखती है। लकड़ी के ऊपर भाप नहीं जमती है, तो लकड़ी अपनी भाप नहीं निकलती है उसकी, इसीलिए वो फ्लेम नहीं जमती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये दे रखा है आपको एक्सपेरिमेंट। क्या दे रखा है इसमें? ये क्या दे रखा है? करा हुआ है आपने ऐसा? ग्लास रखो, ग्लास के ऊपर उसको पकड़ के रखो किसी एक उससे, तो ये क्या हो जाता है? ये इसका काला हो जाता है, यहाँ कार्बन जम जाती है ना, कार्बन जम जाती है। एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट है, एक कॉपर वायर को 30 सेकंड के लिए पकड़ो तो यहाँ भी काला जम रहा है ये, हाँ, और यहाँ पे रेड हॉट हो जाता है आगे वाला, ठीक है। डज इंडिकेट दैट नॉन इल्यूमिनेटेड जोन ऑफ द फ्लेम हैज अ हाई टेम्परेचर। अब ये फ्लेम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फ्लेम के बारे में हम समझते हैं। सो ये फ्लेम का एक डायग्राम दे रखा है आपको। हॉटेस्ट पार्ट सबसे बाहर वाला होता है, ये बीच वाला थोड़ा सा मॉडरेट होता है, और सबसे कम वाला और उसके अंदर वाला होता है लीस्ट हॉट, हाँ, जहाँ पे बत्ती होती है वो बहुत कम होता है, बहुत कम गर्म होता है, समझ रहे हो। तीन स्टेज में आपकी फ्लेम को डिवाइड किया, सबसे अंदर गर्मी कम रहती, गर्मी रहती है पर हाँ, वो कलर्स आपके अलग अलग कलर होते हैं, वेपर्स के अलग अलग कलर होते हैं, जैसे सीएनजी का कलर अलग होता है, माचिस का कलर अलग होता है। हाँ, आउटर जोन अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो क्या मिलेगा? ब्लू, अगर बहुत अच्छे से कंबशन होगा तो, मतलब हवा में करोगे कंबशन तो। मिडिल जोन में क्या होता है?
पार्शियल कम्बशन होता है, और यहाँ पे कैसा दिखता है, कलर येलो दिखता है, और अंदर तो आपको ब्लैक ही दिखता है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि वेपर क्या होता है फिर वो ढक लेता है, तो ऑक्सीजन ठीक से आ नहीं पाती अंदर, है ना। तो ये जलती है फ्लेम तो अंदर ऑक्सीजन नहीं आ पाती, इसलिए ये कलर क्या दिखता है आपको, ब्लैक दिखता है। समझ गए हर्ष, ये फ्लेम का कलर है और ये सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे जो गर्म पार्ट होता है वो बाहर का होता है, उसके बाद ये फ्यूल और फ्यूल इफिशियंसी देख लेते हैं। व्हाट इज द फ्यूल, फ्यूल तो हम पढ़ चुके थे, ये पेट्रोल डीजल केरोसिन ये सब सब्सटेंस क्या होते हैं। और फ्यूल, एक फ्यूल इसको बोलते हैं जो रेडिली अवेलेबल हो। फ्यूल क्या होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए और इजीली बर्न भी हो जाना चाहिए मॉडरेट रेट पे। मॉडरेट मतलब न कम न ज़्यादा, है ना। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रहना चाहिए। फ्यूल किसको बोलेंगे हम, ये सब चीज़ें जो ये सब चीज़ें रहती है उसको, उस सबको, है ना। इट डज नॉट हैव बिहाइंड एनी अनडिजायर्ड सब्सटेंस, और इसके कोई अनडिजायर्ड सब्सटेंस नहीं मिलना चाहिए, मतलब जलने के बाद कोई भी राख नहीं बजना चाहिए। पर ऐसा तो बहुत कम होता है, जैसे वुड भी एक फ्यूल है, सस्ता होता है, ठीक है, परंतु उसमें राख तो बचती है। पेट्रोल बहुत अच्छा है, जलता भी अच्छा है, और उसमें पर राख नहीं बचती है। तो ये सब फ्यूल है, ठीक है। तो इस दुनिया में कोई आइडियल फ्यूल कोई नहीं होता, आइडियल फ्यूल वो होता है। क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल फ्यूल, तो क्या बोलोगे, जो चीप हो, चीप मतलब सस्ता हो, जो सबके लिए अवेलेबल हो, मतलब सब गांव वाले सब ले सकते हैं, जिसको शहर वाले, ऐसा नहीं हो कि एक ही जगह मिल रहा हो, जो मॉडरेट रेट से जलता हो और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी पैदा करता हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल में है तो अचानक से ही जल्दी ख़त्म हो गया, धीरे धीरे चलना चाहिए, ठीक है। जैसे गाड़ी भी अगर करते हो तो एक लीटर पेट्रोल में आपकी 50 किलोमीटर तक गाड़ी चल जाती है। अब फ्यूल इफिशियंसी किसको बोलते हैं, है ना। तो फ्यूल कुछ फ्यूल सबसे कॉस्ट में डिफर होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं और कुछ महंगे होते हैं। फ्यूल इफिशियंसी किसको बोलते हैं, इफिशियंसी शब्द का मतलब क्या होता है कि अगर 1 किलोग्राम लकड़ी जलाई, 1 किलोग्राम पेट्रोल जलाया, 1 किलोग्राम डीजल जलाया, 1 किलोग्राम घास केरोसिन जलाया, इन सभी में सबसे ज़्यादा हीट किस में मिलेगी, लकड़ी में मिलेगी क्या। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कम्प्लीट कम्बशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू, ये याद रखना। कैलोरीफिक वैल्यू किसको बोलते हैं, 1 किलोग्राम हीट, अगर 1 किलोग्राम आप सामान जलाते हो, कितनी हीट जलती है, हीट की कुछ यूनिट होती है ना। तो हीट की यूनिट जनरली कैलोरीज वगैरह में दी जाती है, कितनी कैलोरी हीट जलती है तो उसको बोलते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। किसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, शिवांश जलती है। 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पर जितनी हीट निकलती है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कम्बशन ऑफ कितने ग्राम, कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम चीज को जलाने पर जितनी हीट निकलती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। और जिसकी जितनी कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी, जितनी ज़्यादा, वो उतना अच्छा इफिशियंसी रहेगा। इफिशियंसी का मतलब होता है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पा रहे हो, है ना। जैसे मान लो आपको कपड़े सिलना है, तो कपड़े आपको सिलना है तो आप हाथ से भी सिल सकते हो, पर वही काम मशीन से होता है। हाथ से सिलने में इफिशियंसी क्या आती है, सर हाइड्रोजन की कम आती है, ज़्यादा है आपको, मतलब आप 10 घंटे लग जाएंगे आपको हाथ से सिलने में, और वही काम मशीन कितने में कर देती, 2 घंटे में कर देती, 2.5 घंटे में कर सकती है जो सिलने वाला है, तो उसकी इफिशियंसी ज़्यादा हुई, है ना। तो आप कितने टाइम में कितनी अच्छी चीज़ कर पाते हैं उसको अपन इफिशियंसी बोलते हैं। फिर ऐसे तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब आपने कितना इनपुट दिया है और आपको कितना आउटपुट मिल गया है, ठीक है। और एक किलो जूल पर किलोग्राम में एक्सप्रेस की जाती है, किसमें एक्सप्रेस की जाती है, इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम। सर हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा, हाँ सबसे खतरनाक फ्यूल होता है हाइड्रोजन। कहाँ पे यूज होता है हाइड्रोजन, 1,50,000 है, 1,50,000 किलो। अच्छा उसने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, ये जो बुक में दिया है वो किलो जूल पर किलोग्राम है, और यूनिट अलग हो गई है, इसीलिए वो
ठीक है, तो सबसे ज्यादा खतरनाक फ्यूल हो गया कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पेट्रोल ये वैल्यू जिसकी जिस ज्यादा रहेगी ना वो उतना ज्यादा डेंजरस फ्यूल है। हाइड्रोजन को रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है इसीलिए। ठीक है, हाइड्रोजन को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? रॉकेट्स में। कौन सा फ्यूल? पेट्रोल डीजल यूज नहीं होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस यूज होती है उसमें। ठीक है, खैर इतना ज्यादा। फिर उसके बाद जो आप पेट्रोल यूज करते हो उसकी वैल्यू सर एलपीजी की सबसे उसके बाद में ज्यादा एलपीजी की। और हाँ ये है इतनी सीएनजी की। फिर वुड, वुड की कितनी है? वुड की तो बहुत कम ही है। यस सर। काउडंग जैसे आपने देखा भी होगा कि यार काउडंग तो अपन हाथ से ही पकड़ लेते हैं कई बार, जला हुआ भी कुछ लोग तो जला हुआ भी निकाल लेते हैं, कंडा एकदम से पकड़ के फेंक देते हैं, लकड़ी को भी एकदम से पकड़ के फेंक देते हैं। इसका मतलब कि वो उसमें इतना टेम्परेचर नहीं होता है। ठीक है, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आ गई कि एक किलोग्राम सामान जलाओगे तो किसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू निकलेगी? मीथेन गैस होती है, गैस है ना, मीथेन गैस होती है। Now burning of fuel lead to harmful products. Burning of fuel leads to harmful products. Lead मतलब अगर आप फ्यूल को बर्न करते हो तो हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं। कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं? हाँ, लाइक कोल को गर्म करते हैं तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल निकलते हैं, मतलब जो ठीक से बर्न नहीं हुए वो ठीक से जलते नहीं है तो वो अनबर्न्ड कार्बन कहलाते हैं। इसमें कार्बन कंपोनेंट सभी में कार्बन होता है, और अगर वो पूरा जल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक से नहीं जलते तो अनबर्न्ड कार्बन कंपोनेंट निकलते हैं। हाँ, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मैंने कल बताया था वो हार्मफुल होती है। और ये दिस फाइन पार्टिकल आर डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेशन डिसीज सच एज अस्थमा। कुछ लोग अस्थमा हो जाता है। अच्छा, अभी तो हम यूज करते हैं एलपीजी, बट गांव में अभी भी यूज क्या कर रहे हैं? काउडंग। वुड, काउडंग, क्योंकि ये बहुत कॉस्ट कम होती है और हर जगह मिल जाता है। हाँ, पर इन सब से क्या होता है, स्मोक बहुत सारी निकलती है ना, धुआं निकलता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है, और इससे रेस्पिरेशन प्रॉब्लम भी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और ट्रीज भी कटते हैं हमारे, और इसी के कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। एलपीजी है पर बहुत से गांव अभी भी हैं जहाँ पे देखे होंगे तुम्हारे यहाँ तो कोई ना। हाँ, हर जगह थोड़ी ना मिला है, गवर्नमेंट सब दे रही है, कोशिश कर भी रही है, पर कहीं ना कहीं तो रही जाएगी कुछ चीज़ें। इनकम्प्लीट ऑफ दिस फ्यूल ये बताया था मैंने। एक तो कार्बन निकलेगा अनबर्न कार्बन, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक पॉइजनस गैस होती है। आप बंद कमरे में बंद हो जाओ और देखो जलाओ चीजों को, आपकी हालत खराब नहीं हो जाए, आंसू नहीं आने लग जाए तो बोलना फिर, ठीक है? रोड हो गया। हाँ, तो देखा ही होगा आपने, ऐसा जनरली होना नहीं चाहिए। यज्ञ तो ओपन में होता है, पर अगर घर में करते हैं तो दिक्कत आती है। हाँ, तो ये उसमें फिर क्या है, अगर वो ठीक से जल नहीं रहा ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड अनबर्न रहता है जो कि बहुत शरीर को दिक्कत। हाँ, प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर वो कोई बंदा सो रहा है ना तो 5-6 घंटे तक अगर लगातार रहा तो 6-7 घंटे 5-6 घंटे में मर सकता है, तो कभी भी सोना नहीं चाहिए उस समय जहाँ पे आग जल रही हो, ऐसी आग जहाँ पर दम घुटने की संभावना है। ठीक है, कंबशन से कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। हमने तीन चीजों का भी निकलना देख लिया है, कार्बन अनबर्न कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। CO2 के कारण कौन सी दिक्कत हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग, पता है सभी को ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लोब किसको कहते हैं, पूरी पृथ्वी को ग्लोब कहते हैं, उसका पूरा टेम्परेचर ही इधर उधर का सबका कार्बन डाइऑक्साइड, अमेरिका का, इंडिया का, सबका कार्बन डाइऑक्साइड तो सीधे जा तो ऊपर ही रहा है। तो वो क्या कर रहा है? नहीं, वो ओजोन लेयर वाला होता है,
इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो होता है ओजोन लेयर, वो ओजोन लेयर होती है, और ये हमारा अलग होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में ओजोन लेयर का काम नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है कि हाँ कि इनके कारण क्या होता है कि जो ग्लेशियर होते हैं ना, मतलब एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे अभी गर्मियां बहुत लगने लग गई आजकल, तो ओवरऑल ही क्या हो गया पॉल्यूशन के कारण। तो इसको आप उससे मत जोड़ें ओजोन से, ओजोन लेयर, ओजोन का डिप्लीशन अलग है और ग्लोबल वार्मिंग अलग है, दो गंभीर समस्या थी हमारे देश की। ओजोन का तो खत्म ही हो गया है, मतलब ओजोन को तो अब इस तरीके की गैसेस हम यूज़ नहीं करते, तो वो रिपेयर हो गया होल, है ना, उसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चौथा, कुछ हार्मफुल सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिसके के कारण क्या होती है, हमने एसिड रेन के बारे में बात की थी। तो ये क्या होती है, जब धुएं के साथ ऊपर जाएगी और पानी के साथ नीचे आएगी तो सल्फर और नाइट्रोजन नामक गैसेस होती है, और ये क्या करती है, एसिड रेन करती है। एसिड रेन किसके लिए हार्मफुल होती है, खेतों के लिए, बिल्डिंग के लिए, मिट्टी के लिए खतरनाक होती है, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। अरे बिल्डिंग की सब पेंट खराब कर देगा, है ना, एक साल में कराओगे दूसरे साल में सब खराब हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, डिपेंड करता है कि कैसी है, अगर बहुत ज्यादा अगर ठीक है तो टेम्परेचर ये खत्म हो गया।